गुड थिंग ही स्पीक्स उर्दू या हिंदी, तो ये बड़ा हमारी एडवांटेज है। आज यहाँ पे क्योंकि पब्लिक हॉलीडे जिसकी वजह से यहाँ रश नहीं है, अदरवाइज बड़ी ये कोई क्रेजी जगह होती ट्रैफिक के हिसाब से। इससे कोर्ट रोड पीछे लॉ कॉलेज भी है, अच्छा सब यहीं आसपास है। आगे जाएंगे तो लेफ्ट पे मेरे लेफ्ट पे जो एक बिल्डिंग है वो है सुप्रीम कोर्ट, राइट पे हाई कोर्ट है, फिर आगे इनका ओल्ड कोर्ट। अच्छा मजे की बात है कि इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर है, सो ब्यूटिफुल। अगर आप इनकी डिटेल देखें तो यू गॉट एंजॉय दिस पार्ट, अगर आप एंजॉय करते हैं तो जरूर आए। एज अ टूरिस्ट लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। शिवन कोई मंदिर है, आज यहाँ पे इनकी आज इबादत है और यहाँ पे लोग पूजा के लिए आए हुए हैं। दे हैव लाइक डिफरेंट सर्विस टाइम्स 9:30 एंड देन इट गोस ऑन टिल लाइक 12 नून। और It's soft colors I could see, chote bache and everyone is like, you know, they're enjoying. I think someone's getting married also, look at shaadiyan bhi ho rahi hai aur there's a puja chal rahi hai, you could see all this. Ek badi calmness hai yahan pe, though there's so many people here but still it's just so calm. You see, I don't know, they're taking a group photo, I think the performers hai, they got look photo khichwa rahe hain, and if you could see, I'll show you this, so beautiful. It's so amazing, so beautiful. I mean, if you see the footsteps, bilkul synchronized. Ek din tak sync kar rahe the, or the body. I think everything was just so perfect. It's the first time maine isko aaj experience kiya hai. I mean, I've seen it on TV, lekin hands first time jo aaj aapne maine dekha hai. It's an amazing thing. यहाँ पे एक और एक area है जहाँ पे मैंने अभी note किया कि सेपरेट जगह जहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, इट्स लाइक यू डोंट सी फूड एवरीवेयर, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जब आप ऐसी जगह आते हैं और इनकी अपनी वाइब एक होती है और आई डोंट हाउ टू एक्सप्रेस इट बट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा ये अचारू करके कोई चीज नजर आ रही है स्टॉक, आई कैन स्पॉट अमरूद तो नजर आ रहा है मुझे, आई थिंक करोंदे टाइप की कोई चीज है, मैंने उस दिन ट्राई की थी पाइनएप्पल, बट ऑल आई कुड सी कि इसमें काफी वो लाल मिर्चें बहुत नजर आ रही है मुझे। आई एम गोना गिव इट ट्राई क्या क्या है, आई विल शो यू। वाओ The flavors of pineapple bust in your mouth. Surprisingly, जितना ये लग रहा है hot, it's not that hot. It's a smile. I hope ये बाद में मुझे किसी नहीं कह रहे थे। कल एक मिर्चू ने मुझे बाद में बताया कि वो कितनी तेज थी। I'm walking down the street. अच्छी बात ये कि यहाँ पे सफाई बहुत है, ना ऐसी कि यहाँ पे construction का काम भी हो रहा है, but not much mess. और Bombay sweets. मिठाई कुछ मीठा हो जाए। What is it? It's kachi halwa. You can smell the taste of rose water. When it's not too sweet, not too greasy. Usually, बहुत greasy होता है। Amazing. I wish I could have more room for dessert, but I'm gonna continue walking down the street. ये कोलंबो की कहते हैं काफी पुरानी मस्जिद है, अबाउट 110 इयर्स ओल्ड, और ये जामा मस्जिद है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। इट्स सो पीसफुल जब आप किसी नई जगह पे नमाज पढ़ते हैं
और आपकी जो दुआएं निकलती हैं उस इलाके के मुसलमानों के बारे में, और यू नो अल्लाह ताला उन सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं इत्तेफाक से इस इलाके में था, मैं स्पाइस मार्केट को डिस्कवर कर रहा था, और ये वही रोड है, वही स्ट्रीट से आकर चालू की कितना बड़ा फर्क आज नज़र आ रहा है। मैं बड़ा आराम से यहाँ वॉक कर रहा हूँ, कोई हसल बसल नहीं, बड़ा क्वाइट है। वजह ये कि आज यहाँ पे बुद्धिस्ट हॉलीडे है, तो तमाम दुकानें बंद हैं, माँ सिवाय इक्का दुक्का दुकानों के अंदर, बस आप देख सकते हैं स्टेटस बंद हैं, और वो जो हंगामा होता था वो आज यहाँ पे नहीं है। आई मीन डच हॉस्पिटल, बेसिकली एक ज़माने में डच हॉस्पिटल होता था, बट दे टर्न इन टू अ ईटरी रिस्टोर करके। इट्स अ वेरी नाइस कोजी लिटिल ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे आपको बड़े ज़बरदस्त खाने और रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। आई केम हेयर एंड बेसिक गोल्फ फेस बीच के साथ बिल्कुल करीबी वाक़ एंड आई थिंक आई शुड ट्राई हेलादीव टी क्लब सिंस आई मीन श्रीलंका। अब तो हमें रोड किसी ने मेंशन की है, मैं पीछे उतरा था, हम गांव से का वॉक आगे नजर आ रही कुछ हसल बसल। खूबसूरत ये एली है, यहाँ से निकल के मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ। लेट्स होप आई फाइंड समथिंग गुड इन अब्दुल हमीद रोड, कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त खाना होता है यहाँ पे। चार होटल है एंड बेकरी, इट्स हाईली रिकमेंडेड बाय सम लोकल गाय, क्योंकि खाना बड़ा अच्छा होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डिनर टाइम, क्यों नहीं जाके आज मन के खाते हैं और रश के खाते हैं। लेट्स गो। अच्छा कितनी सर ये रोटी यहाँ की पराठे बल्कि? अच्छा वेन दिस अंडा पराठा मीन अंडा उसके अंदर स्टफ होता है, तो ये सादा पराठा है, इसमें अंडा नहीं है। नहीं अगर मैं अभी तक बात करूँ, मैंने ये ट्राई नहीं की चिकन, इनके चिकन करी बहुत देर फेमस, बट ये I'm sure for on this. It's more of a not Thai curry, but the color was Thai green curry wala color hai. What I like about it, jaise hamari curry bahut gaadi hoti hai, wahi version hai, patla hai, halki si isme bhi khatas hai. Then lal mirchi tali bhi jo bhuni bhi hoti hai, uski khushbu iske andar aa rahi hai. Acha yahan pe na ye parathe ne bahut sare laake rakh diye hain, char ek khaye do khaye rakh dete hain, aap bole le jao. तो देर नहीं विल ब्रिंग इट बैक, तो बाद में ना या फिर मैं आपसे काउंट कर लेते हैं गिन के। अगेन करी पत्ता, ये वो चीज़ जो हमारा सालन होता है, ऑलमोस्ट वही टेस्ट है, यू नो स्पाइसी साइड, इसको भी करी पत्ता है, और आई एम नॉट बिग इन टू इट यूजली दे सर्व। अगर बाद लोगों को कुछ खाना उसके बाद डिप करके खा लेते हैं, यू नो एज अ रोटी सब्स्टिट्यूट, I'm gonna pass on this, but कुछ stuffing वाले लग रहे हैं। I'll try later on, maybe कोई dessert का होगा तो I might take a bite, but I have no room, but मीठा तो बनता ही है, try करना, because तो वो जो दूसरे desserts were too heavy, ये फालूदा मैंने कहा यहाँ भी try करें कैसा है, आई सी नाइस कलर, तो इनके पास भी तो मलंगा है। अच्छा हमारा बहुत गाढ़ा होता है, it's not as thick
हमारे में तो कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, they don't have noodles in it, more of a roux avza with vanilla ice cream and milk, tuk malanga obviously, literally बहुत बंदा, and I'm gonna go home and take a good night's sleep. I'm gonna enjoy this. I'm gonna call it a day. I hope you like our content. अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, बटन दबाएं और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ. I hope you're ready for another.